उधर ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े वॉरशिप पर एक डॉक्यूमेंट्री बनते ही रूस भड़क गया। ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े वॉरशिप के करीब रूस के जंगी जहाजों के मंडराने का एक वीडियो रूस ने जारी किया और दुनिया को दिखा दिया कि उसके एक इशारे पर ब्रिटेन का यह जहाज तबाह होने वाला था, क्योंकि वीडियो में रूस के 3 फाइटर जेट ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर के बेहद करीब दिखे। इनमें 2 को तो सुखोई 24 बताया जा रहा है, जो आसमान से सटीक निशाना लगाने में माहिर है। ब्रिटेन के इतने बड़े जहाज पर अगर रूस के फाइटर जेट बम बरसा देते तो एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था। ये घटना जुलाई 2021 की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो रूस ने अब जारी किया, जिसकी वजह है HMS क्वीन एलिजाबेथ पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर। इसमें दिखाया गया कि एयरक्राफ्ट कैरियर की एक चेतावनी के बाद रूस के फाइटर जेट पलट गए। जिस एयरक्राफ्ट कैरियर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उसकी लागत 320 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इधर हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के फैसले पर कैबिनेट की मोहर लग गई और अब इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की जाएगी। हिमाचल सरकार के इस फैसले से करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन देने का फैसला भी लिया गया। उधर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले में अभिनेत्री नोरा फतेही ने अपना बयान दर्ज कराया। बताया गया कि इसके लिए उन्होंने खुद दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा से संपर्क किया और बयान दर्ज कराने की बात कही थी, जिसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने नोरा फतेही का बयान दर्ज कराया गया। सुकेश चंद्रशेखर मामले में नोरा से ED पहले ही पूछताछ कर चुकी है। इस बीच POK के गिलगित बल्टिस्तान में रहने वाले हजारों लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। इसके साथ ही उन लोगों ने अपने इलाके को भारत में मिलाने की भी मांग की, क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और सरकार की गलत नीतियां उनके लिए सिरदर्द बन गई हैं। गिलगित बल्टिस्तान के लोगों के पास न तो खाने के लिए रोटी है और न ही पैसे कमाने के लिए कोई काम। ऐसे में वहां उन लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जो चाहते हैं कि गिलगित बल्टिस्तान भारत में मिल जाए, जिससे न सिर्फ उनकी भुखमरी की समस्या खत्म हो जाएगी बल्कि उनके लिए कारोबार करना भी आसान हो जाएगा। इसी मांग को लेकर एक इलाके में कई लोग सड़कों पर नारेबाजी करते दिखाई दिए। गिलगित बल्टिस्तान के कई दूसरे इलाकों में भी लोगों ने पाकिस्तान सरकार का विरोध किया और इससे पहले वहां रहने वाले लोग ये भी आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है। गिलगित बल्टिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना की शह पर ही ये साजिश रची जा रही है, ताकि उनके इलाकों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोगों को बसाया जा सके। हालांकि इस मुद्दे पर गिलगित बल्टिस्तान में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर पाकिस्तानी सेना के साथ लोगों की झड़प की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान सरकार गिलगित बल्टिस्तान के ऊपर का एक बड़ा हिस्सा चीन को लीज पर देने को भी तैयार है, जहां पाकिस्तान चीनी निवेश को बढ़ाकर अपना कर्ज चुकाने की फिराक में। इन्हीं सब वजहों से वहां रहने वाले लोग अब किसी तरह पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं। उधर अमेरिका के अलबामा राज्य में उठे बवंडर ने कई जगहों पर जमकर तबाही मचाते हुए 6 लोगों की जान भी ले ली। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन पहले राज्य में कुल 23 बवंडर दर्ज किए गए थे। आशंका जताई गई कि आने वाले दिनों में वहां फिर बवंडर उठ सकता है, जबकि अभी लोग एक दिन पहले मची तबाही से ही निकल नहीं पाए हैं, क्योंकि ये बवंडर जहां से भी गुजरा वहां अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ता चला गया, जिसकी कुछ तस्वीरें अलबामा राज्य के सेल्मा शहर से भी सामने आई, जिनमें जमीन से आसमान की तरफ कई फीट ऊंचा बवंडर उठता दिखाई दिया, लेकिन उसने जगह जगह भारी तबाही मचाई। इससे कई इमारतों को बुरी तरह नुकसान हुआ, जबकि कुछ मकानों की छतें उखड़कर जमीन पर आ गिरी। एक तस्वीर में तो वहां का एक इलाका खंडहर में तब्दील नजर आया। ताकतवर बवंडर ने बिजली के खम्भों को भी जमीन पर धराशायी कर दिया, जिसके कारण राज्य में 50,000 लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा।